शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार से चिकन के स्प्रिंग रोल बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड है, तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। तो ये देखिए मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल कम होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाएंगे हम, ये बहुत ही कम ऑयल में बनाया जाता है ताकि जो है ऑयली ना हो रोल और बहुत ही मज़े के बने। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून ही ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। कम या ज़्यादा ग्रीन चिली आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। तो जितना स्पाइसी आपको पसंद हो आप उतनी ग्रीन चिली को इसमें डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून भी इसमें डाला जा सकता है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसको मैं हल्का सा ऑयल में सौते कर रही हूँ, बहुत अच्छी से खुशबू आती है इसको फ्राई करते हुए। तो अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ साबुत। तो ये देखिए ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया है। अब यहाँ पर 1 कप मैंने बॉईल की हुई चिकन को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो देखिए मैंने चिकन बॉईल कर ली थी और इसके रेशे कर लिए थे, तो ज़्यादा बारीक रेशे नहीं करने हैं। इसको भी मैं ऑयल के साथ फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर रेड चिली क्रश ऐड करूँगी। तो ये देखिए कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1/2 टी स्पून ही मैंने यहाँ पर नमक लिया है, क्योंकि नमक मैंने चिकन में बॉईल करते टाइम डाला हुआ था, तो इसलिए कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रखिएगा। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए सोया सॉस डालने के बाद इसको अब अच्छा सा मिक्स करूँगी। तो ये देखिए इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर 1 टी स्पून ही मैंने चिकन का पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये देखिए चिकन पाउडर डालने के बाद ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है। यहाँ पर मैंने गाजर ली है, पत्ता गोभी ली है और ये कैप्सिकम है, हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक कट हुई भी। तो ये भी मैंने कम या ज़्यादा आप अपने जायके के हिसाब से सब्ज़ियाँ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1-1 कप लिया था। तो ग्रीन चिली यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद ग्रीन चिली ली थी। यहाँ पर मैंने कैबेज को और ग्रीन चिली को पहले ऐड करके अच्छा सा फ्राई कर लिया है, क्योंकि कैबेज में से थोड़ा पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए पहले से मैं इसको लेके ड्राई कर लूँगी। तो अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप ग्रीन अनियन को फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो वो 1 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छा सा फ्राई करना है ताकि कोई भी यहाँ पर पानी किसी भी सब्ज़ी में से ना रिलीज़ हो। अब यहाँ पर कैप्सिकम और गाजरों को मैं ऐड कर रही हूँ, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो अब ये देखिए तमाम मसाला बिल्कुल रेडी है, ज़्यादा मैंने नहीं पकाया है और ये बहुत ही मज़े का बना था। इसको मैंने अब ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके रोल तैयार कर लिए थे। ये तमाम रोल मैंने इसके तैयार करके यहाँ रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया था कढ़ाई में। अब यहाँ पर मैं रोल को इसमें मीडियम स्लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए मीडियम स्लो फ्लेम पर मैं इसको फ्राई करूँगी गोल्डन कलर आने तक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए मज़ेदार से और बहुत ही हेल्दी से आसान से स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसे बने थे। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।